हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स कि 1000 साल के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो आज हम करेंगे एमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कि कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, और साथ में करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो पहला आता है एमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ आई, नई नई क्या इन्वेंशन हुई। तो पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी जो हम करते हैं, तो अपनी फसलों को हम पानी देते हैं। तो पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए हमने पर्शियन व्हील मिला। क्या टेक्नोलॉजी आ गई, पर्शियन व्हील आ गया इन इरीगेशन। सेकेंड आया स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और थर्ड आया फायर आर्म्स इन बैटलफील्ड। तो अगर हम अब टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी क्या आई, मतलब नई नई चेंज क्या आई, किस फील्ड में आई, उसके बारे में है। तो सबसे पहले है पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करने के लिए जो हम खेतों को पानी देते हैं उसको हम बोलते हैं सिंचाई करना। तो सिंचाई करने के लिए एक पर्शियन व्हील आ गया। सेकंड स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, कपड़ों की बुनाई के लिए हमारे पास वो पहिया आ गया, स्पिनिंग व्हील आ गया, जिसको हम चरखा कहते हैं। और फायर आर्म्स यूज्ड इन बैटलफील्ड, लड़ाई के लिए बड़े बड़े हमारे पास हथियार आ गए जो कि आग उगलते थे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये पर्शियन व्हील क्या होता है। तो हमारे पास एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो नहर का पानी है उसको निकाला जाता था और उस पानी से सिंचाई की जाती थी। दूसरा आता है चरखे का इस्तेमाल कपड़ों की बुनाई के लिए, और तीसरा हमने पढ़ा कि लड़ाई के क्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में हमें क्या क्या अस्त्र शस्त्र चाहिए, वो बहुत सारे हथियार जो है वो इस टाइम में आए। और बहुत सारे अनाज की चीज़ें आई, बेवरेजेस आए, हमारे देश में क्या क्या आया, पोटैटोज, कॉर्न, चिल्लीज, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमारे सब कॉन्टिनेंट में आई। नेक्स्ट आता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप में हमारे पास आते थे राजपूत, राजपूतों का वहाँ बड़ा बोलबाला था। मतलब राजपूत किससे निकला है, वर्ड राजपुत्र से, मतलब सन ऑफ अ रूलर, राजा का बेटा, तो उसको राजपुत्र बोला जाता है, राजपुत्र से निकला है राजपूत। तो राजपूत किनको बोला जाता था, क्षत्रिय क्लास, जो कि लोग क्षत्रिय होते थे ना, लड़ाई करने के लिए आगे आगे रहते हैं, तो उन जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं, सेना, तो उसको बोला जाता था, उनके रूलर को बोला जाता था राजपूत। और उनकी खासियत क्या मानी जाती थी, कि वो बड़े बहादुर होते हैं, लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। और कौन कौन सी क्लासेस वहाँ थी उस टाइम पे, मराठा थे, सिख, जट, अहोम और कायस्थ। कायस्थ किसको बोला जाता था, ये जो स्क्राइब थे ना, जो पुरानी बुक्स को, जो भी पुरानी बुक्स पे लिखा होता था उनको जो कॉपी करते थे, उनको बोला जाता था स्क्राइब। तो उनकी जो कास्ट होती थी उनको बोला जाता था कायस्थ। ये जो क्लासेस थी ये उस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासेस मानी जाती थी। इस टाइम की और एक विशेषता थी, और वो ये थी कि लोगों ने जंगलों को साफ करके वहाँ पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। तो इससे ये बदलाव आया कि उनके रहन सहन में बहुत सारी चेंजेस हुई, और वो जंगलों को छोड़कर बस्तियों में जाकर बसने लगे। उस टाइम के जो किसान थे वो एक जैसे नहीं थे, मतलब कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ जो थे वो खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे, अपने परिवार को चलाने के लिए खेती बाड़ी करते थे। और कुछ लोग क्या थे, वो खेती बाड़ी भी करते थे और साथ साथ में कारीगरी भी करते थे। जैसे वो चटाइयाँ बना सकते हैं, और क्या बनाते हैं, टोकरियाँ बना सकते हैं, तो ये सारा काम वो
करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण इस तरीके से किया करते थे। फिर धीरे धीरे जो सोसाइटी थी उसमें जातियाँ भी आ गई, ठीक है, सबसे ऊंची जाति, छोटी जाति, इस तरह से वो जो समाज था वो जातियों में बट गया। एक जाति जो थी वो दूसरी जाति से बिल्कुल डिफरेंट थी, कि मान लो हमारे यहाँ पे जो जिस जाति को बहुत बड़ा माना जाता है दूसरी जगह पर वैसा नहीं होता था। और इनके अपने ही रूल्स रेगुलेशंस होते थे कि किस तरह से हमने अपने लोगों को चलाना है, क्या काम कैसे करना है। तो इन लोगों ने, ये जातियों के लोग थे, इन्होंने अपने रूल्स बना लिए थे और इन सबको कंट्रोल करने के लिए इनके पास थी जाति पंचायत, ठीक है। वो जाति पंचायत क्या करती थी, ये सारे रूल्स जो है लोगों को फॉलो करने पे मजबूर करती थी या उनको प्रेरित करती थी कि भई आपने इस जाति में रहना है तो ये सारे रूल्स आपको मानने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई, कौन से पॉलिटिकल या सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे और जो सोशल ग्रुप्स थे वो बहुत सारी जातियों में बंटे होते थे।